गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉक टू समू। आज कर रहे हैं रिव्यू फिल्म राजी को। फिल्म राजी को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने और इसकी मुख्य स्टार कास्ट है आलिया भट्ट, विक्की कौशल, रजत कपूर, शिशिर शर्मा, जयदीप अहलावत और सोनी राजदान। इस फिल्म की स्टोरी आधारित है 1971 में हुए भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण स्थितियों पर, जो बाद में युद्ध में परिवर्तित हो गया था। इस फिल्म की स्टोरी इंस्पायर्ड है हरिंदर मिक्का के नॉवेल कॉलिंग सहमत से। इस फिल्म की स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की स्टोरी है, शुरू होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान मंसूबे बना रहा है भारत पर आक्रमण करने के और उसे तबाह करने की मंसूबे बना रहा है। इसकी खबर मिल जाती है कश्मीर के एक बिजनेसमैन हिदायत खान यानी रजत कपूर को, जो कि पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेडियर परवेश सैयद यानी शिशिर शर्मा के गहरे दोस्त हैं, इसलिए उनका पाकिस्तान में आना जाना रहता है। हिदायत खान एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, वह अपनी बेटी सहमत यानी आलिया भट्ट की शादी करता है ब्रिगेडियर के बेटे इकबाल से, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। इकबाल से शादी करने की वजह मात्र यही थी कि उसकी बेटी सहमत उस पाकिस्तान में भारत के आँख और कान बनकर रहेगी। राजी हो जाती है सहमत, जैसा कि उसका नाम है, उस अपने पिता के काम के लिए, और क्योंकि वो अपने वतन से प्यार करती है। एक मासूम सी लड़की जिसे पता नहीं था, जो एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है और राजी हो जाती है, उससे पहले वो एक मजबूत एजेंट की तैयारी करती है। इसके लिए उन्हें तैयार करते हैं खालिद मीर, जो कि एक रॉ एजेंट हैं यानी जयदीप अहलावत। बात करेंगे फिल्म के स्क्रीन प्ले की। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही दमदार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा फास्ट है और आगे आगे बहुत जल्दी बढ़ता जाता है। फिल्म देखते देखते आपको आगे की घटनाएं भी महसूस पता पड़ने लगती हैं। फिल्म को इतना टाइट ढंग से लिखा गया है, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है मेघना गुलजार ने, कि फिल्म देखने को बनती ही है। और ये फिल्म में आप एक पल के लिए भी अपने आप को बोर नहीं होने देंगे। अब बात करेंगे फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म के में चार गाने हैं, जिसमें दिलबरो, ए वतन, राजी और ए वतन फीमेल वर्जन में है। इस फिल्म में अगर इस गाने की बात करें तो बेहतरीन सॉन्ग हैं। चारों के चारे गाने उम्दा किस्म के गाने हैं। ए वतन गाने को लिखा है गुलजार ने और इसको संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, जो कि बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। और इसके अलावा दिलबरो एक विदाई के समय का गाना है, जो कि पिता और पुत्री बेटी के संबंधों को और जो फीलिंग्स हैं जो दर्शाता है। इसके साथ ही राजी सॉन्ग है, जो फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है राजी, जो उसके एजेंट के रूप में, एक मजबूत एजेंट के रूप में आलिया भट्ट के तैयार होने का सॉन्ग है। और अब बात करेंगे फिल्म के परफॉर्मेंस की। आलिया भट्ट ने सहमत के किरदार को जिस तरह से फिल्म में दिया है, वो केवल कोई अच्छा कलाकार ही कर सकता है। आलिया भट्ट ने बता दिया है, उन्होंने उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी और के बाद इस फिल्म में बता दिया है कि वो एक मजी हुई कलाकार है और उन्हें कोई भी रोल और कोई भी करेक्टर दिया जा सकता है जिसे वो बखूबी निभा सकती हैं। बात करें अगर विक्की कौशल की, तो विक्की कौशल ने इकबाल के किरदार को बड़े संजीदा तरीके से और बड़ी ईमानदारी से निभाया है। रजत कपूर भी ठीक ठाक रहे अपने रोल में। जयदीप अहलावत अपने अभिनय से इस फिल्म में आपको ज़रूर चौंकाने वाले हैं। अगर हम बात करें सोनी राजदान की, जो कि रियल ज़िंदगी में आलिया भट्ट की माँ हैं और इस फिल्म में भी आलिया भट्ट की माँ बनी हैं, उनको करने के लिए इस फिल्म में बहुत कम है, लेकिन उन्होंने भी अपने करेक्टर को बखूबी निभाया है। यकीन मानिए, ये फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। बिल्कुल अंत तक ये फिल्म आपको बांध कर रखेगी और ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल टॉक टू समू पर।